5 सितंबर साल 1945 पांच ग्रुबन टीवीएफ एवेंजर्स की एक सिमिलर फ्लाइट जिसकी नाम दी जाती है फ्लाइट 19। फ्लाइट 1940 एयरमैन के साथ दोपहर के 2:10 पर यूएस नेवल एयर स्टेशन फोर्ट लॉडरेल फ्लोरिडा से अपने 3 घंटे की डेली ट्रेनिंग मिशन के लिए उड़ान भरती है। दोस्तों इस फ्लाइट के लीडर चार्ल्स कैलोर टेलर हैं जो कि पहले टारपीडो बॉम्बिंग प्लेन VTV के इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं। दोस्तों ये प्लेन टेक ऑफ करके ईस्ट की ओर फ्लाई करते हैं। फ्लोरिडा से सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद जैसे ही वेस्ट की ओर मुड़ना शुरू करते हैं तभी फ्लाइट 19 के लिए परेशानी शुरू हो जाती है। स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि उनका कंपास काम करना बंद कर देते हैं। फिर बैकअप कंपास निकालते हैं लेकिन वो भी फेल हो जाते हैं। उनकी पोजीशन इस वक्त तक कहाँ है कोई पता नहीं है। कंपास के फेल होने के बाद चार्ल्स सी टेलर रेडियो के माध्यम से रिपोर्ट करते हैं और कहते हैं मेरे दोनों कंपास बाहर है और मैं फोर्ट लॉडरेल फ्लोरिडा की खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जमीन के ऊपर हूँ लेकिन यह टूट गया है। मुझे यकीन है कि मैं कीज में हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि कितनी दूर है और मुझे पता है कि फोर्ट लॉडरेल कैसे पहुँचा जाएगा। 4:56 पर टेलर को लगता है कि उनका प्लेन गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं तो इसीलिए हमें ईस्ट की ओर फ्लाई करना चाहिए वापस से फ्लोरिडा जाने के लिए। लेकिन उसी प्लेन में कुछ क्रू मेंबर को शक होता है कि हम वेस्ट की ओर फ्लाई कर रहे हैं, हमें ईस्ट की ओर फ्लाई करना चाहिए। लेकिन इसी समय तक मौसम की स्थिति खराब हो चुकी थी, सूरज डूब गया था। टेलर की तरफ से 7:04 पर आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है। इस रिकॉर्डिंग में टेलर को कहते हुए सुना गया कि सभी प्लेन कसकर बंद हो जाते हैं, हमें तब तक उतरना होगा जब तक कि लैंडफॉल ना हो। जब पहला प्लेन 10 गैलन के नीचे चला जाता है तो हम सभी एक साथ नीचे जाते हैं। इसके बाद फ्लाइट 19 के 5 प्लेन अचानक से गायब हो जाता है। फिर इस फ्लाइट को ना ही तो कभी देखा गया और ना ही सुना गया। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद शाम 7:27 पर सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। 13 लोग क्रू के साथ फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए निकलता है। करीब 3 घंटे बाद मरीनर प्लेन ने अपने होम बेस पर रेडियो को भेजा कि अभी मिशन चल रहा है। उसके बाद मरीनर प्लेन भी गायब हो जाते हैं। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब और अब मरीनर प्लेन के 13 लोग गायब हो जाते हैं। फिर उसके बाद उस समय की सबसे लार्जेस्ट एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन को बुलाया जाता है। इनका मिशन होता है उस फ्लाइट 19 और मरीनर प्लेन को ढूंढना। सैकड़ों जहाजों और प्लेन्स ने अटलांटिक ओशियन गल्फ ऑफ मैक्सिको के हजारों स्क्वायर मील्स की खोज करने के बाद ना ही तो यहाँ पर किसी की बॉडी मिलती है और ना ही किसी प्लेन का कोई पार्ट मिलता है। दोस्तों जहाँ ये प्लेन दोनों गायब हो जाते हैं उस जगह को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। बरमूडा ट्रायंगल फ्लोरिडा के साउथ ईस्ट टिप से ऑलमोस्ट 500,000 square miles को कवर करता है। दोस्तों कहा जाता है कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की खोज करने के लिए अपनी पहली यात्रा पर इस क्षेत्र के माध्यम से रवाना हुए तो उन्होंने बताया कि आग की एक बड़ी लौ एक रात सी में क्रैश कर जाती है और कुछ हफ्तों बाद कुछ दूरी पर एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल बर्ड पहली बार इस्तेमाल बीसेंट गद्दिश ने साल 1964 में आर्गोसी मैगजीन पब्लिश्ड अपने आर्टिकल में किया था। बरमूडा ट्रायंगल के आसपास की स्टोरीज क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ शुरू होती है जब उन्होंने रिपोर्टेडली नई दुनिया की अपनी ट्रैवल के दौरान इस ट्रायंगल में समुद्र की आग को क्रैश होते हुए देखते हैं। दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल अभी भी इस मिस्टीरियस ने लाखों लोगों के बहुत लंबे समय चकित करके रखा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एक साइंटिस्ट ने इस जगह के मिस्ट्री को हमेशा के लिए सुलझाने का दावा कर रहे हैं। सिडनी यूनिवर्सिटी के कॉल कोरिनिकी का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल प्लेन और शिप्स मिस्टीरियस ढंग से गायब होने के पीछे कोई मिस्टीरियस कारण नहीं है। उनका मानना है कि इंसिडेंट खराब मौसम और ह्यूमन एरर के कारण होते हैं। दोस्तों आगे कॉल ने यह भी कहा कि जो बताते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में गायब होने के पीछे एलियंस या फिर सुपर नेचुरल पावर्स हैं इन सब को झूठ बताते हैं। इस बरमूडा ट्रायंगल में सदियों से इस एरिया में कई सारी शिप्स और प्लेन के मिस्टीरियस तरीके से गायब होने की रिपोर्ट मिलती रही है। दोस्तों इस बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर कई सारी बुक्स मूवीज कंप्यूटर गेम्स और कुछ सॉन्ग्स तक बनाए गए हैं। दोस्तों हालांकि इस एरिया के बारे में 20th century में ही लोगों के ध्यान में आ गया था जब नेवी कार्गो शिप्स यूएएस साइक्लोप्स जिसमें तकरीबन 300 से अधिक लोग इस शिप पर सवार थे लेकिन ये जहाज बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो जाता है। दोस्तों हाल ही में एक रिसेंट इंसिडेंट जिसमें एक शिप इन्वॉल्वड है जो कि अक्टूबर 2015 में एक डेडली हेरिकेन के दौरान बरमूडा ट्रायंगल में एक मालवाहक जहाज का डूबना भी शामिल है। तो बरमूडा ट्रायंगल की सारी कहानियां बताई जाती है लेकिन उन्हीं में से एक है यूएस साइक्लोप्स की कहानी। मार्च 1918 में यह विशाल जहाज
बरमूडा ट्रायंगल के माध्यम से बाल्टीमोर के लिए रवाना होती है, जिसमें लगभग 309 लोग क्रू मेंबर्स के साथ करीब शिप में करीब 10,800 टन मैगजीन शामिल है। काफी अच्छे दिन की शुरुआत करते हुए ब्राजील से रवाना होती है। रवाना होने के कुछ ही देर बाद यह शिप गायब हो जाते हैं। हालांकि इस जहाज को फिर से कभी नहीं देखा गया और ना ही सुना गया कि यह जहाज आखिरकार गया कहां। इस जहाज के गायब होने के बाद पूरे एरिया में सर्च एक्शन चलाया जाता है, लेकिन कुछ नहीं पता चलता है। जहाज या किसी भी क्रू मेंबर का कोई रिमेन कभी नहीं मिलता है। USS साइक्लोप्स के कैप्टन द्वारा कभी भी कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं भेजा गया। आसपास के अन्य जहाजों के रेडियो कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। नेवल इन्वेस्टिगेटर्स भी इसके लापता होने का एक डिफिनेट कारण खोजने में फेर रहते हैं। हालांकि USS साइक्लोप्स की जहाज मिस्टीरियस ढंग से गायब होने के पीछे बरमूडा ट्रायंगल के उन्हीं कुछ जहाजों में से शामिल हो गया है, जिसमें फ्लाइट 19 और N-100 जहाज शामिल है। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में थ्योरीज कई हजारों साल पहले से प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल का मिस्ट्री एलियन एक्टिविटी के प्रभाव से होते हैं, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल की स्टोरीज हकीकत से ज्यादा काल्पनिक ढंग से प्रूव हुई है। US गवर्नमेंट ने कभी भी ओशियन के इस एरिया का एक्चुअल में थ्रेटनिंग लोकेशन के रूप में कभी रीऑर्गेनाइज नहीं किया है, और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बरमूडा ट्रायंगल में शिप और प्लेन को गायब होने की इंसिडेंट के अदर लार्ज स्ट्रेचेस की तुलना में ट्रायंगल में किसी भी मोर फ्रैंकली के साथ होती है। साइंटिस्ट ने कई सारी शिप्स और प्लेन को गायब होने के पीछे रैपिड और शार्प वेदर चेंज, टैलो वाटर और मीथेन गैस इरप्शंस को बताते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि फेमस प्ले राइटर विलियम शेक्सपियर ने अपने प्ले में द टेम्पेस्ट को बरमूडा शिप ब्रिक पर आधारित किया था, जो कि बेशक इसने एरिया की ग्रेट मिस्ट्री को इन्हेंस्ड किया है। दोस्तों, यदि कोई बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर एक कंपास की डायरेक्शन को ट्रैक करता है तो वे पाएंगे कि कंपास की डायरेक्शन कभी कभी थोड़ी बदलने से लग जाती है। दोस्तों, यह इंसिडेंट सिर्फ बरमूडा ट्रायंगल में ही नहीं, बल्कि यही इंसिडेंट पूरी दुनिया में होती है, क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ दुनिया भर में समान नहीं है। केवल कुछ ही जगहों पर एक कंपास एक ही समय में मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ दोनों को परफेक्ट तरीके से दिखाएगा, और बरमूडा ट्रायंगल उनमें से एक नहीं है। और दोस्तों, जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने रिपोर्टेडली बरमूडा एरिया में जो पानी की आग का कॉलम देखा था, यह लाइकली एक मिरर था। अर्थ की सरफेस पर कुछ बिंदु है, जैसे कि बरमूडा ट्रायंगल में नैरो चैनल है, जहां इन दो नॉर्थ पोल्स के बीच एंगुलर डिफरेंस जीरो हो जाता है, और वह तब तक होता है जब तक वे जहाज के लिए एक स्ट्रेट लाइन पर दिखाई नहीं देते हैं। समुद्री एरिया के नॉर्थ अटलांटिक में सरगासो सी है, जो चारों ओर से ओशियन करेंट से घिरा हुआ है, जो कि एक्सेप्शनली कॉलम सी स्टील वाइंड्स और यहाँ की पानी पर तैरने वाले विशाल घने समुद्री मातम से कई सेलिंग जहाज इसमें जाकर फंस जाते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF के लिए 2013 में किए गए एक स्टडीज ने शिपिंग के लिए वर्ल्ड के 10 मोस्ट एक्सीडेंट प्रोन ओशियन एरिया को रिपोर्ट किया गया, और उस रिपोर्ट में बरमूडा ट्रायंगल शामिल नहीं है। दोस्तों, एक मिस्टीरियस स्टोरी है एलन ऑस्टिन की। साल 1981 में अटलांटिक पर लंदन से न्यूयॉर्क की अपनी ट्रैवल के दौरान एक अननोन जहाज दिखाई देते हैं, लेकिन अजीब तरह से इस जहाज पर कोई सवार नहीं होता है। एलन ऑस्टिन के कप्तान ने अपने क्रू के साथ उस अननोन जहाज पर जाते हैं और उन्हें एक साथ न्यूयॉर्क चलने के लिए कहते हैं। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिन बाद तूफान के दौरान अननोन जहाज गायब हो जाता है, लेकिन तूफान के कुछ दिनों बाद फिर से वह जहाज दिखाई देने लगता है, लेकिन इस बार भी उस जहाज पर कोई नहीं होता है।